स्वागत है आप सभी का गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग बात कर रहे थे जू जियोग्राफिकल रीजंस की, प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों की। और अभी तक हम लोगों ने दो प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें पहला प्राणी भौगोलिक क्षेत्र पहली आर्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र था, जिसमें यूरोप, चाइना, जापान, साइबेरिया इनको सम्मिलित किया था। जबकि जो दूसरा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो दूसरा प्राणी भौगोलिक क्षेत्र नियार्कटिक प्राणी भौगोलिक क्षेत्र था, जिसमें उत्तरी अमेरिका है, ग्रीनलैंड है, इनको हमने सम्मिलित किया था। आज के लेक्चर में हम लोग अगले दो प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। उसमें से नंबर तीन पे नियो ट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, एक तो उस पे बात करेंगे, और नंबर चार पे इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है अपना, वो फोकस रहेगा नियो ट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में और इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। थोड़ा सा पिछले टॉपिक को अगर मैं रिवाइज करूं तो दो बातें नोट करने वाली हैं आप लोगों के लिए। नंबर वन, ये जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, ये जू जियोग्राफी इसका एक टॉपिक है, और जू जियोग्राफी के बारे में हमने एक डेफिनेशन, एक परिभाषा डिस्कस की थी कि जू जियोग्राफी का अर्थ क्या है, कि ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विश्व में जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये है कि ये जो जू जियोग्राफिकल रीजंस हैं, जो ये प्राणी भौगोलिक क्षेत्र जिनकी संख्या 6 हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, ये कंसेप्ट सबसे पहले स्केलेटर और वालेस के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो वन बाय वन अब स्टार्ट करेंगे। तो आज जिस पहले प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे, वो नियोट्रॉपिकल है, पहले इस पे डिस्कस करेंगे, और आफ्टर दैट हम बात करेंगे
इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की। तो शुरुआत करते हैं नियो ट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र से, और स्टडी का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले रखा था। बेसिकली हर प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के साथ हम तीन प्रकार की स्टडी कर रहे हैं। पहली स्टडी में हम लोग उन क्षेत्रों की, उन देशों की बात करेंगे जिन्हें नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। दूसरी जो स्टडी हम करेंगे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस की करेंगे कि नियोट्रॉपिकल जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं यहाँ की वातावरणीय परिस्थितियाँ, यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं, और जो तीसरी बात करेंगे वो यहाँ के फौना की, प्राणी जात की करेंगे। कौन सी एंडेमिक प्रजातियाँ हैं यहाँ पर और कौन से जंतु विशिष्ट रूप से इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बात करते हैं नियो ट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके विस्तार का। तो यहाँ पर इस ग्राफ से हम देखेंगे कि एक तो पूरा का पूरा साउथ अमेरिका कंटिनेंट, कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये पूरा का पूरा नियो ट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ हिस्से भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, और कुछ आइलैंड हैं, कुछ द्वीप समूह हैं जो इस उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में हैं, वे भी इस नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने विश्व के मानचित्र में नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र को या उसके विस्तार को समझने की कोशिश की है। अगली स्लाइड में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे इस बात को। नंबर एक, कौन से रीजन, कौन से क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो एक तो पूरा का पूरा हमने बात की साउथ अमेरिका, नंबर एक। सेंट्रल अमेरिका, नंबर दो। मेक्सिको का साउथ वाला हिस्सा और वेस्टर्न डीज, सुना हुआ होगा आपने, ये एक द्वीप समूह है। तो बेसिकली अगर ब्रॉडली बात की जाए तो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका को, सेंट्रल अमेरिका को और वेस्टर्न डीज, ये एक्चुअल में द्वीप समूह हैं, इनको नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अब यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर बात करें तो दो प्रकार की कंडीशंस यहाँ मिलेगी आपको। मोस्ट ऑफ या ट्रॉपिकल, ये उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ, लेकिन साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा जो है वहां पर आपको
टेम्परेट, जो शीतोष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां हैं वो मिलेगी। तो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में ट्रॉपिकल कंडीशंस भी हैं और टेम्परेट कंडीशंस भी मिलती हैं। यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है वो मिलते हैं, ग्रास लैंड है जैसे सवाना इस तरह के मिलेंगे, थोड़ा बहुत मरुस्थलीय इलाका भी यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ दिखाई देती हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात की, अब बात करेंगे यहाँ के फौना की, प्राणी जात की। तो यहाँ पर खूब सारी ऐसी फैमिलीज हैं जंतुओं की जो एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब वो जंतु प्रजातियाँ केवल इसी प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में मिलती हैं। और अगर हम बात करें एंडेमिक फैमिलीज की, तो 33 ऐसी फैमिलीज हैं जंतुओं की। टोटल फैमिलीज यहाँ 155 हैं इस रीजन में जंतुओं की, और उसमें से 33 जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज का, स्थानीय प्रजातियों का है। अब फाइनल बात करेंगे जो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसे 4 सब रीजन में डिवाइडेड किया गया। जैसे पैलीआर्कटिक को भी 4 रीजन में डिवाइड किया था, नियार्कटिक को भी 4 रीजन में डिवाइड किया था, वैसे ही नियोट्रॉपिकल को भी 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है। चिली सब रीजन है, ब्राजीलियन सब रीजन है, मैक्सिकन सब रीजन है और एंटीलियन सब रीजन है। तो जो नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं, इसे 4 सब रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिनके नाम है चिली सब रीजन, ब्राजीलियन सब रीजन, मैक्सिकन सब रीजन और एंटेलियन सब रीजन। अब कुछ एंडेमिक स्पीशीज की बात करते हैं। हमने बात की थी कि रिच है डाइवर्सिटी, एंडेमिक स्पीशीज खूब है यहाँ पर, और यहाँ पर सर्वाधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं, बर्ड्स की स्पीशीज हैं, और इसीलिए जो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है उसे बर्ड कंटिनेंट, पक्षियों के महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर मार्मोसेट मंकी है, ये केवल इसी महाद्वीप में मिलते हैं। इसके अलावा रिया, जिसे अमेरिकन ऑस्ट्रिच, ये एक फ्लाइट लेस बर्ड है, वो भी यहीं पर मिलता है। यहाँ पर ट्री पॉर्क्यूपाइंस मिलते हैं, टाउकन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर अगूटी, टैमेरिन, इस तरह के कुछ एंडेमिक स्पीशीज यहाँ पर मिलती हैं। एनाकोंडा के बारे में आपने सुना होगा, जो लार्जेस्ट पाइथन है वो भी इस प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की एक एंडेमिक स्पीशीज है, स्नेक की, वो भी केवल यहीं पर मिलता है। अब हम अगले प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो 4 नंबर पे जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है वो है इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र। इथोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र बेसिकली अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें, वर्ल्ड के मैप में देखें,
तो ये अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश हिस्सा इस इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो जो अफ्रीका महाद्वीप हैं वो मुख्य रूप से इस इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। अगली स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल बात करते हैं इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। तो क्या देखते हैं, सहारा डेजर्ट के बारे में आपने सुना है, तो सहारा का मरुस्थल ये इस इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है। मेडागास्कर ये भी इसी में सम्मिलित हैं और दक्षिण अरेबिया। तो ये तीन प्रमुख क्षेत्र हमने बताए अफ्रीका महाद्वीप के जो इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित किए गए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की। ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में, ग्रासलैंड मिलेगी, लेकिन मिक्स वेजिटेशन भी इसके साउथ पार्ट में मिलती है। तो यहाँ का फौना इस ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग अलग प्रकार की कि ट्रॉपिकल भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है, माउंटेन रीजन्स भी हैं, ग्रासलैंड प्लेन प्रेजेंट है, मैदानी भाग भी हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो फौना प्राणी जात जंतुओं की जो विविधता है वो भी अत्यधिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 161 फैमिलीज हैं वो मिलती हैं जंतुओं की, जो अपने आप में अत्यधिक जैव विविधता को प्रदर्शित करती हैं। तो जो इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र है इसको फिर चार सब रीजन में डिवाइड किया है। ईस्ट अफ्रीकन पहला हो गया, वेस्ट अफ्रीकन, साउथ अफ्रीकन और मालागासी सब रीजन। तो ईस्ट वेस्ट साउथ अफ्रीकन तीन सब रीजन तो ये हो गए और चौथा मालागासी सब रीजन। अब यहाँ की कुछ एंडेमिक स्पीशीज की बात करें, लॉरिस मिलता है यहाँ पर, हिप्पोपोटामस, गोरिल्ला, बबून, ये सब यहाँ के मैमल्स जो हैं और एंडेमिक मैमल्स हैं। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग ये भी यहीं मिलता है, टिप्लॉप्स एक स्मॉल स्नैक है जिसे ग्लास स्नैक के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बियर, अफ्रीकन एलिफेंट, जिराफ, स्पाइनी लिजर्ड्स, ये यहाँ की प्रमुख जो एंडेमिक स्पीशीज हैं वो है। इस रीजन में लंग्स फिशेज भी मिलती हैं, फुफ्फुस मछलियाँ। यहाँ पर प्रोटोप्टेरस जो लंग्स फिश हैं वो यहाँ की एंडेमिक स्पीशीज हैं, वो यहीं पर मिलती हैं। तो ये बात की हमने इथियोपियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की, और इससे पहले हमने बात की नियोट्रॉपिकल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र की। तो आज का टॉपिक आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। तो अभी तक हम टोटल चार प्राणी भौगोलिक क्षेत्र उनके बारे में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन। तो एग्जाम में आपसे किसी एक पर्टिकुलर प्राणी भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उसमें सम्मिलित देशों, सम्मिलित क्षेत्रों के नाम पूछे जा सकते हैं, वहाँ की कुछ एंडेमिक स्थानीय प्रजातियाँ पूछी जा सकती हैं, या आपको कुछ एंडेमिक प्रजातियों के नाम दिए जाए
और वो कौन से प्राणी भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक हमने ये चार प्राणी भौगोलिक क्षेत्र कंप्लीट किए। कल के लेक्चर में हम इंडियन जो ओरिएंटल प्राणी भौगोलिक क्षेत्र हैं और लास्ट में ऑस्ट्रेलियन प्राणी भौगोलिक क्षेत्र उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।